तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को देखो फूड चैन ट्रॉपिक लेवल 10% ला, फूड वेब और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इतने चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में आप लोग यह देखते हैं कि एक प्रोड्यूसर्स जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनसे जो फूड लेता है उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर से जो फूड लेता है उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर से जो फूड लेता है उसको टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं या टॉप कंज्यूमर कहते हैं। तो जो फूड लेने की या फूड के ट्रांसफरिंग की ये सीरीज जो होती है, उसी सीरीज को हम लोग नाम देते हैं फूड चैन। यानी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म की वो सीरीज, वो चैन जिसमें फूड ट्रांसफ़र होता है, उसी को हम लोग फूड चैन कहते हैं। और किसी फूड चैन में जो स्टेप्स होते हैं, जैसे ये प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में फूड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये प्रोड्यूसर फर्स्ट स्टेप हो गए हैं। तो इसको हम लोग, यहाँ से फूड ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको हम लोग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। जिस स्टेप से फूड का ट्रांसफरिंग होती है उस स्टेप को हम लोग ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, यहाँ से फूड इसमें जाता है। ये प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल होते हैं, क्योंकि इनसे फूड सेकेंडरी में कंज्यूमर में जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल होते हैं, क्योंकि यहाँ का फूड टर्शरी कंज्यूमर में होता है जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ये तो हो गया ट्रॉपिक लेवल की बात। अब 10% ला में पहले तो जानते हैं प्रोड्यूसर जो फूड का प्रोड्यूसर का काम फूड का फार्मेशन करना होता है बाय द फोटोसिंथेसिस। तो इनको एनर्जी मिलती है सन से मिलने वाली एनर्जी का केवल 1% पार्ट ही ये फोटोसिंथेसिस में यूज कर पाते हैं। प्रोड्यूसर में सन से मिलने वाली एनर्जी का केवल 1% ही यूज हो पाता है, ठीक है। लेकिन आगे देखिए तो प्रोड्यूसर में जो एनर्जी आती है उस एनर्जी का 90% तो ये स्वयं के लिए यूज़ करते हैं, और या इनमें से कुछ एनर्जी तो इन्वायरमेंट में चली जाती है। खुद के यूज़ में करेंगे उस एनर्जी का यूज, जैसे इनको मान लें 1000 जूल एनर्जी इनके पास इनको मिली है फोटोसिंथेसिस से, तो 1000 जूल का ज़्यादातर पार्ट ये अपने बॉडी में फंक्शन करने में यूज़ करेंगे, और कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में चली जाती है। यहाँ की 10% एनर्जी जब प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाएंगे तो 10% एनर्जी मिलेगी प्राइमरी कंज्यूमर को। यानी 1000 जूल का 10% अगर लेंगे तो 10% हो जाएगा 100 जूल, यानी 100 जूल इसमें ट्रांसफ़र होगी। और 100 जूल का भी 90% समझ लीजिए ये यूज़ करेंगे, और या इन्वायरमेंट को में रिलीज करेंगे, वेस्ट हो जाएगी। और इनकी टोटल एनर्जी का केवल 10% ही यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर में प्रेजेंट एनर्जी का केवल 10% ही मिल पाता है। यानी जैसे इनकी बॉडी में 100 जूल है तो उसका 10% हो जाएगा 10 जूल, इनको 10 जूल एनर्जी ही मिलेगी। अब इनकी बॉडी में 10 जूल एनर्जी है, और उसका जब इस सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खाएंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर की बॉडी में प्रेजेंट एनर्जी का 10% इसमें जाएगा, यानी केवल 1 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। यानी हर ट्रॉपिक लेवल पर आप देख रहे हैं 10% एनर्जी का ही ट्रांसफरिंग हो रही है, इसको हम लोग नाम देते हैं 10% ला। अब इसमें अगर हम लोग ट्रॉपिक लेवल देखें तो 1, 2, 3, 4 हो रहा है। अब इससे ज़्यादा अगर आप ट्रॉपिक लेवल होते तो उनको एनर्जी बहुत कम मिलती, इसीलिए किसी फूड चैन में 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल से या 3 या 4 स्टेप से ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टेप अगर हो जाएगा तो इससे बड़े स्टेप को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है जितनी एनर्जी से वो अपने लाइफ को सस्टेन कर सके। इसलिए किसी भी फूड चैन में 3 या 4 स्टेप्स ही होते हैं। अब एनर्जी का फ्लो देखें,
सन की लाइट आई प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से एनर्जी गई प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्या फिर वो एनर्जी प्रोड्यूसर को आई, मिली, मिलेगी? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर, कंज्यूमर से इन्वायरमेंट में चली जाएगी, प्रोड्यूसर को वापस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स देखें तो एयर, वाटर, सॉयल से जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूसर में गए थे, तो प्रोड्यूसर को जब प्राइमरी कंज्यूमर खाए तो वो न्यूट्रिएंट्स प्राइमरी कंज्यूमर में गए, प्राइमरी कंज्यूमर से फिर सेकेंडरी में जाते हैं, सेकेंडरी से टर्शरी में जाते हैं। जब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मरते हैं तो इनकी बॉडी को डिकम्पोजर करते हैं। जब डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे तो इनकी बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके फिर एयर, वाटर, सॉयल को वापस कर देते हैं। यानी जो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूसर में इन्वायरमेंट से आया था, एयर, वाटर, सॉयल से आया था, फिर डिकम्पोजर्स के द्वारा फिर वह न्यूट्रिएंट एयर, वाटर, सॉयल को फिर से मिल गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट है उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो साइक्लिक होता है। न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट साइक्लिक होता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके बाद हम लोग फूड वेब पढ़ेंगे। फूड वेब में ये कहा जाता है कि किसी इकोसिस्टम में जो फूड चैन होती हैं, उस फूड चैन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल एक फूड चैन से नहीं बिलोंग करते। जैसे किसी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर हैं तो प्रोड्यूसर केवल एक फूड चैन यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, बहुत से फूड चैन होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर केवल एक प्रकार के प्लांट को नहीं खाएंगे, बहुत प्रकार के प्लांट को खाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर एक प्रकार के, किसी एक प्रकार के प्राइमरी कंज्यूमर को नहीं खाते हैं। कहिए कि लायन केवल डियर को खाता हो और किसी को नहीं खाता, तो ये इसका मतलब इसमें किसी इकोसिस्टम में कई फूड चैन्स होते हैं और कई फूड चैन्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट फूड चैन से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब आपको किसी इकोसिस्टम में फूड चैन्स इंटरकनेक्टेड फार्म में मिलेंगे, और इंटरकनेक्टेड फूड चैन को हम लोग फूड वेब के नाम से जानते हैं। और ये फूड वेब आपके यहाँ बनाया दिखाया गया है फिगर 15.3 में, पेज नंबर 260 पर, ठीक है, ये दिखाया गया है। ऑफ्लो ऑफ एनर्जी फिगर नंबर 15.4 में दिखाया गया है, एनर्जी कैसे जाती है। अब इसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जानते हैं प्रोड्यूसर्स या सारे न्यूट्रिएंट एयर, वाटर, सॉयल से लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं वेस्ट मटेरियल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, उसमें से बहुत से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूसर्स की बॉडी में जाते हैं, और फिर प्रोड्यूसर्स की बॉडी से फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर में जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी में जाएंगे, सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर में जाते हैं। लेकिन हर स्टेप पर, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में देखें, तो हर स्टेप पर, फर्स्ट स्टेप है प्राइमरी से, सॉरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी जाना, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी प्राइमरी कंज्यूमर की बॉडी में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अमाउंट प्रोड्यूसर के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, और इनकी बॉडी में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आ गए हैं उनके कंपेरिजन में इनमें, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर की बॉडी में और ज़्यादा होंगे, और सेकेंडरी कंज्यूमर से ज़्यादा टर्शरी कंज्यूमर होंगे। तो यानी हर ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एक्यूमुलेशन, डिपोजिशन बढ़ता चला जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। यह आपके यहाँ दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक फिर बताएंगे।